नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं, रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत जो आपका NER गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के तरफ से आपका एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था ITI पास छात्रों के लिए 1104 पोस्ट पर। फाइनली इसका डिपार्टमेंट की तरफ से सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। अगर 23-24 सेशन का बात करें तो उसमें सेकंड डीवी नहीं आया था, परंतु 24-25 सेशन में सेकंड डीवी जारी कर दिया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि इस बार आपका सेकंड बार भी आप लोगों को चांसेस मिल रहा है। ऑफिशियल मेरिट लिस्ट के साथ साथ कटअप भी जारी किया गया है, और इनमें से कुछ ऐसा भी ट्रेड है जिसका 51% पर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। संपूर्ण जानकारी देखेंगे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट PDF मेरिट लिस्ट कटअप सारा का सारा वहां पे देखने को मिलता है। क्यों हम आ गए हैं ऑफिशियल सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट में। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, कटअप के बारे में भी आपको बताएंगे। ऑफिशियल कटअप जो रिलीज किया गया है ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज, देखिए रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग सूचना 24-25 नोटिफिकेशन जो आपका 24-25 में 1104 पोस्ट का आया था वो, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट राउंड का डीवी कंप्लीट हो गया है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको अपडेट दिया है। अब ये जो है आपका सेकंड डीवी का आ रहा है। सबसे पहले मेरिट लिस्ट देख लीजिए कब जाना है वो और कितने डेट में जाना है, कौन कौन से ट्रेड वाले को। तो यहाँ पे आपको बताया गया ये सारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, ITI ट्रेड है, डीवी डेट है, डीवी टीम है और रिपोर्टिंग टाइमिंग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 23 अक्टूबर के डेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। जिस ट्रेड का जिस डेट में बुलाया गया, जिस कैंडिडेट को, उसी डेट में आपको जाना है। इधर उधर मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका डीवी होगा या नहीं होगा वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा। इससे अच्छा है कि आपका जिस तारीख में डीवी है उसी डेट में आप जाइए, ठीक है। ये पूरा आपका देख लीजिए 23 तारीख से शुरू है, और 23 तारीख से शुरू होकर 23 है, 23 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर है, देन उसके बाद यहाँ पे बात करें तो लास्ट आपका डीवी जो है 25 अक्टूबर तक चलने वाला है, ठीक है। 23 अक्टूबर से शुरू होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 25 अक्टूबर तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि 3 दिन आपका डीवी जो है चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरिट लिस्ट है ये कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपको PDF वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको जाना कहाँ है उसके रिगार्डिंग भी देख लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे कटअप दिखाएंगे। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि आपको सेकंड डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। सेकंड डीवी में जो भी इलिजिबल हुए हैं उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। जाना कहाँ है आपको तो देख लीजिए, कैंडिडेट सूट रिपोर्ट एट द मेन गेट ऑफ PCPO ऑफिस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर ऑन शेड्यूल डेट एंड टाइम, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट विल नॉट बी इंटर्ड। अगर आप लेट करते हो तो भैया आपको यहां पे इंटर करने नहीं दिया जाएगा। जाना कहां है ये पूरा एड्रेस है, देख लीजिए ये पूरा एड्रेस पे आपको जाना है, मेन गेट ऑफ PCPO ऑफिस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के PCPO ऑफिस के मेन गेट पे आपको जाना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेगा, टोटल यहाँ पे 8-9 तरह का डॉक्यूमेंट बताया गया। सबसे पहले आपको प्रिंट आउट ले लेना है जो फाइनल प्रिंट आउट था, उसके बाद आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लेना है ओरिजिनल वाला, ठीक है, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लेना है, उसके बाद जो आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो वेबसाइट पे है NER का फॉर्मेट में बनाना है, किसी और रेलवे फॉर्मेट में मत बनवा लीजिएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का फॉर्मेट बनाना है, ये भी हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक फोटो, ए वैलिड फोटो ID, फोटो ID कार्ड इन ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी दे, मतलब आप कोई भी ऐसा फोटो ID ले लीजिएगा जिसमें आपका फोटो हो, गवर्नमेंट ID जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इससे कोई भी आप लेके जा सकते हो, उसका फोटो कॉपी भी ले लीजिएगा, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले लीजिएगा। और आपको बोला गया है कि ये पार्ट फ्रॉम दी एबव फॉलोइंग सर्टिफिकेट मस्ट बी बॉट फ्रॉम दी वेरियस रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप ST, SC, OBC, JIS भी कैटेगरी से आवेदन के रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको करंट ईयर का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। कार्ड सर्टिफिकेट PWD वाले जो होंगे वो PWD का अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे, एक्स सर्विसमैन से जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए होंगे अपना एक्स सर्विसमैन वाला यहां पे जो डॉक्यूमेंट है वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद निर्धारित तिथि को नियत समय पर रिपोर्ट नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को प्रलेख सत्यापन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा, यद्यपि किसी कारण जो उसके नियंत्रण से बाहर हो से नियत तिथि से प्रलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो पाने वाले अभ्यर्थी को 28/10/2024 को प्रातः 10 बजे प्रलेख सत्यापन हेतु रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जिस डेट से आपका डीवी है, जैसे 23 तारीख से डीवी चलेगा 25 तारीख तक, इन सभी डेट में आप नहीं जा पाए, कोई भी ऐसा जो सिचुएशन है आपके साथ हो गया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लॉक डेट रेलवे दे रहा है 28 अक्टूबर,
पर ऐसा मत करिएगा कि सभी 28 अक्टूबर को चल जाएगा, वहां पे आपसे जेन्युइन रीजन भी पूछा जाएगा कि आप जो ये डेट था उस डेट में क्यों नहीं आ पाए। तो उस समय अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा तो फिर आपको डीवी नहीं करने दिया जाएगा। तो 28 तारीख के डेट में उनको जाना है, जिसका किसी कारणवश यहाँ पे 23 से 25 के बीच डीवी नहीं हो पाएगा उनको जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट तो आप लोगों ने देख लिया, बस यही सारा डॉक्यूमेंट था जो आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। आप चलिए कटअप देखिए। तो फाइनली हम सेकेंड राउंड के ऑफिशियल कटअप पे आ गए हैं। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग 24-25 कटअप मार्क्स फॉर सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसा ट्रेड है जिसका 50% पे भी सिलेक्शन हुआ है, जैसे कारपेंटर। यूआर में कटअप गया है आपका 51.30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, सभी का कटअप है। तो हम किसी एक कैटेगरी का कटअप आपको बता देंगे, बाकी ये ऑफिशियल कटअप टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप आसानी से देख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में आपका यूआर का कटअप 85.69 गया है, ईडब्ल्यूएस में 82.88 और एससी में आपका 85.25, एसटी में आपका 83.25, ओबीसी में 86 तक देखने को मिला। ठीक है, फीटर में बात करेंगे तो फीटर में थोड़ा नॉर्मल कटअप इस बार आपको देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए, ईडब्ल्यूएस में 69 पे सिलेक्शन हो गया और ओबीसी में आपका 80 चला गया, वहीं एसटी में 72 गया। तो इस बार फीटर का कटअप में आपको ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है कैटेगरी वाइज। मैकेनिस्ट में बात करेंगे, यूआर में 80 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। लोएस्ट का बात करते हैं तो लोएस्ट आपका गया है ईडब्ल्यूएस में 74 नंबर। मैकेनिकल डीजल का बात करें तो मैकेनिकल डीजल में आप देख लीजिए, सबसे लोएस्ट कटअप जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा 73.99, मतलब अप्रोक्स 74 ईडब्ल्यूएस में गया है। पेंटर का बात करें तो पेंटर में आपका यहाँ पे जो लोएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है वो 55% यूआर से गया है। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम कट ऑफ आपका ओबीसी से गया है 65%। ट्रिमर से बात करें तो इसमें सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपका 60 गया है जो यूआर कैटेगरी से है, और सबसे मैक्सिमम जो हाईएस्ट गया है वो आपका एससी से 75.63%। टर्नर का बात करेंगे तो टर्नर में आपका जो यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट आपका 83 गया है, कहाँ से गया है, यूआर से, और सबसे लोएस्ट का बात करेंगे, लोएस्ट आपका गया है कहाँ से भैया, ईडब्ल्यूएस से आपका सबसे लोएस्ट गया है। वहीं अगर हम वेल्डर का बात करें, वेल्डर में भी इस बार बहुत ही लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिल रहा है, वेल्डर में आपका 77 गया है यूआर से, और सबसे लोएस्ट का बात करेंगे तो सबसे लोएस्ट आपका ईडब्ल्यूएस में गया है, कितना गया है, मात्र 57.75%। ठीक है, तो इतना लोएस्ट में इस बार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। तो ये मेरिट लिस्ट और ऑफिशियल कट ऑफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।